जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, दुनिया के ख़त्म होने के तरीके भी बढ़ते जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके न्यूक्लियर वेपन तक ऐसे कई तरीके हैं जिनसे धरती पर जीवन ख़त्म हो सकता है। लेकिन धरती के ख़त्म होने का कोई और रीज़न भी हो सकता है जो कि हमारे कंट्रोल के बिल्कुल बाहर हो, और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ह्यूमन एक्सटिंक्शन अगले 100 सालों में ही हो जाएगा। फैक्ट्स ट्रक में आप सभी का स्वागत है। आज फैक्ट्स ट्रक आप लोगों को बताने जा रहा है उन खतरों के बारे में जिनसे हमारी धरती कभी भी खत्म हो सकती है। SETI यानी द सर्च ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लगातार स्पेस में सिग्नल भेज रही है ताकि एलियन से कांटेक्ट हो पाए। लेकिन स्टीफन हॉकिन ने कहा था कि एलियन से कांटेक्ट बनाना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, और इससे धरती पर जीवन खत्म होने का खतरा भी है। अर्थ पोल शिफ्ट। लाखों सालों में कभी कभी अर्थ के पोल्स शिफ्ट होते हैं, यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल अपनी जगह बदल लेते हैं। अगर अभी ऐसा होता है तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह खत्म हो जाएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड हमें सन की हार्मफुल रेडिएशंस जैसे कि सोलार फ्लेयर्स से बचाती है, और इसके ना होने से हमारी अर्थ पूरी तरह से जल जाएगी। ऐसा माना जाता है कि मार्स यानी मंगल ग्रह पर भी ऐसा ही हुआ था, और उसके पोल्स शिफ्ट होने से सोलार विंड्स ने मार्स का पूरा एटमॉस्फेयर खत्म कर दिया था। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हजारों जॉब्स को खत्म कर दिया है, और वो दिन दूर नहीं है जब ह्यूमंस के लिए कोई जॉब बचेगी ही नहीं। एलन मस्क और स्टीफन हॉकिन ने ये वार्निंग दी है कि अगर कंप्यूटर्स कॉन्शियस हो गए तो ये ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर सकते हैं, और गूगल ने ये प्रिडिक्ट किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से 2050 तक ह्यूमन एक्सटिंक्शन हो सकता है। सोलार शटडाउन। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि सन अगले 5 बिलियन सालों तक नहीं ख़त्म होगा, लेकिन किसी और रीज़न से सन को ख़त्म होने का खतरा भी है जिससे धरती पर लाइफ मुश्किल हो जाएगी। सन धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है, और कुछ टाइम में इसकी एनर्जी अर्थ को हीट देने के लिए काफ़ी नहीं रहेगी, और इससे हमारे प्लैनेट इतना ठंडा हो जाएगा कि ये लाइफ सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा और ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाएगी। सुपर वोल्केनो। अर्थ का कोर एक टाइम बॉम्ब की तरह है। 75,000 साल पहले अर्थ का कोर एक ज्वालामुखी की तरह फटा था, और इससे ही इंडिया बना था। ये इतना खतरनाक था कि इससे अर्थ की 95% स्पीशीज ख़त्म हो गई थी। साइंटिस्ट का मानना है कि अगले 80 सालों में अर्थ का कोर फिर से फट सकता है, और अगर ऐसा होता है तो जियोलॉजिकल सर्वेस की वजह से हमें पहले ही पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी इससे हमारे प्लैनेट को बहुत नुकसान होगा। एस्टेरॉयड इम्पैक्ट। जब पहली बार धरती पर से लाइफ ख़त्म हुई थी तो एक एस्टेरॉयड धरती पर आके टकराया था, और इससे डायनासोर्स ख़त्म हो गए थे। अगर कोई ऐसा एस्टेरॉयड फिर से हमारे प्लैनेट से टकराता है तो ह्यूमैनिटी के साथ साथ कई और स्पीशीज भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। इनके अलावा भी ऐसे कई और खतरे हैं जिनकी वजह से ह्यूमन एक्सटिंक्शन हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट्स ट्रक। थैंक यू।